मोर देन 2500 करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। चार साल हो गए एनसीएलटी के धक्के खाते हुए, आईआरपी मनमानी कर रही है। फरीदाबाद की एरा डिवाइन सोसाइटी के निवेशकों ने आज सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन किया और सरकार से गुहार लगाई कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा जो आरपीआर यानी इंसुलेशन रेजुलेशन प्रोफेशन निर्धारित किया गया है, वह निवेशकों का साथ ना देकर बिल्डरों का साथ दे रहा है। ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जहां एरा डिवाइन सोसाइटी के निवेशकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनके केस को एनसीएलटी से हटाया जाए, क्योंकि उनके मामले को एनसीएलटी द्वारा नियुक्त आईआरपी द्वारा बेवजह लटकाया जा रहा है। आईआरपी ने पिछले 4 साल में 26 मीटिंग बुलाई है। आरोप है कि मीटिंग में निवेशकों के प्रतिनिधियों को नहीं सुना जाता और उन्हें डांट लगाकर गेट आउट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो मेल उन्हें आईआरपी की तरफ से दी जाती है, वह इतनी नुमावदार होती है कि आम आदमी उसमें कुछ समझ नहीं पाता। निवेशकों का आरोप है कि बिल्डर ने जानबूझकर एनसीएलटी में केस डलवाया, क्योंकि निवेशकों की तरफ से यह केस एनसीएलटी में जाने की कोई सिफारिश नहीं की गई, बल्कि बिल्डर ने ही एक सोची समझी साजिश के तहत लोन लिया और फिर उस लेनदार कंपनी द्वारा केस एनसीएलटी में डलवाने की सिफारिश करवाई, जिससे कि निवेशकों का पैसा हजम कर सकें। प्रदर्शनकारियों निवेशकों का कहना है कि उन्हें करीब 11 साल हो चुके हैं जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, लेकिन उन्हें आज प्रोजेक्ट नहीं मिला है। आरोप है कि अब बिल्डर चाहता है कि लोग थक हार कर अपना क्लेम छोड़ दें, जिससे बिल्डर उनके फ्लैट को आज के दामों में बेच सके, जिसकी कीमत आज उनकी बुकिंग के समय से दुगनी से भी अधिक है। फरीदाबाद सेक्टर 76 में एरा डिवाइन कोर्ट में मैंने 2011 में बुकिंग करवाई थी। एक बड़ा अच्छा सपना सोच के कि भाई सोसाइटी में घर होगा, स्विमिंग पूल होगा, बच्चों के लिए स्कूल होगा, लेकिन अभी 11 साल हो गए, कुछ भी मतलब वो नहीं है। रेरा में एनसीएलटी और ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट से इतनी आशा थी कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, कांग्रेस की जाएगी, कुछ करेगी, लेकिन और जबकि इसमें से 5-7% तो एनसीएलटी के नाम से गवर्नमेंट में ही जाता है, और गवर्नमेंट में इतने सारे लोग ईडीसी आईडीसी जो है 5-10% जाता है, और गवर्नमेंट भी वो सारा पैसा डकार के और कुछ नहीं कर रही है, और इतने 850 लोग के करीब हैं जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 25 लाख पर बायर ने दिए हुए हैं, और जिसका कितना करोड़ों में पैसा गवर्नमेंट के पास भी गया है, लेकिन गवर्नमेंट भी सोई हुई है। एनसीएलटी एरा पता नहीं क्या कर रही है। हम बायर्स ने एक अपनी सोसाइटी बनाई थी जो फ्लैट बनाने के लिए की थी तैयार, लेकिन वो भी एनसीएलटी में पता नहीं कैसे चला गया केस, और बायर्स के हाथ से सब कुछ चला गया, और मतलब अभी खाली हाथ है। 4 साल हो गए एनसीएलटी के धक्के खाते हुए, आईआरपी मनमानी कर रही है, और एक आर्ट कंस्ट्रक्शन है उसको दिया गया है, वो अपने रूल लगा रहा कि अगर पैसे चाहिए तो 25% मिलेंगे। मतलब इस तरह की लूट खसोट मच रही है, और हरियाणा गवर्नमेंट सोई हुई है या एनसीएलटी सोई हुई है, रह रहा है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा मतलब इतनी बातें कहती है कि भाई हमने बिल्डर्स के को ये कर दिया, हमने इतना पैसा दे दिया, जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, और रेरा बना दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और 11 साल से कुछ नहीं हो रहा है। लोग इतने परेशान हैं, कई लोग तो गुजर चुके इसी सपने में कि भाई लोगों को घर मिलेगा। कितने लोगों के जो है लोन भर भर के परेशान हो गए, मैं खुद लोन भर के परेशान हो गया हूँ। मैं एक एक्स एयरफोर्स हूँ, फौजी हूँ, और मैंने जो पैसा मिला था वो वहाँ भर दिया, और अभी बिल्कुल खाली हाथ हैं, और जो थोड़ा बहुत लोन लिया था उसकी किस्त अभी तक भर रहा हूँ। तो इस तरह से जो ना बिल्कुल हरियाणा में लूट खसोट मच रही है, और गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रही है इस बात पे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, ना बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है। 2011 में बुकिंग कराई थी, और इनका जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट करते रहे। ये बताया गया था कि हमको मैक्सिमम 3 साल में मिल जाएगा, और अगर ज़्यादा देर रही तो 6 महीने के इन्होंने क्लोज भी लगाया हुआ था कि भी मैक्सिमम जो है 6 महीने और ज़्यादा लगेंगे। उसके बावजूद भी जब हम बार बार जाते रहे तो पैसे तो ये लेते रहे, मगर उसको इन्होंने उस लेवल पर बना के लेके नहीं आए थे। जब नहीं लेके आए तो हम लोगों ने इनसे क्वेश्चन भी किए थे, वो बोले जी किसी कारण बस दूसरे प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं तो इसको एक साथ में ही हम बना देंगे। और इसके बाद में इन्होंने जो क्या किया, ये बनाना ही बंद कर दिया टोटली, और अराउंड मतलब 25 लाख रुपए पर हेड के हिसाब से इन्होंने बुकिंग अमाउंट है, किसी से 30 भी हुआ है, किसी से 50 तक भी गया है, वो सब ले लिया।
और अराउंड ये अगर हम कैलकुलेशन करेंगे कि मोर देन 2500 करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा अगर हम कैलकुलेशन इसका टोटल करेंगे कि भाई जो इनकी कॉस्टिंग आ रही है आज की तारीख में सारी चीज़ों की, क्योंकि 1250 फ्लैट हैं ये, जिसमें से 850 बायर्स हैं जो आज आपके यहाँ पे खड़े हुए हैं जो अपनी डिमांड कर रहे हैं। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई रेरा इसमें अपना कदम सुओमोटो रेरा कदम ले, और जो एनसीएलटी है एनसीएलटी में भी हम जाके अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि जो आईआरपी है ये मिस्टर उदयराज पर इसको निकाल के दूसरा आईआरपी ये नियुक्त करें जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि आईआरपी से क्या समस्या है? आईआरपी डेट पर डेट लिए जा रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, 26 मीटिंग हो गई हैं। कितने समय में? मोर देन 4 ईयर्स हो गए, 4 ईयर्स से ज़्यादा हो गए इनको। 4 साल में इन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ के नहीं गए कि भाई दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द होम बायर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा आपको IRP? हमको IRP की ओर से बिल्कुल एक संदेह है हमें कि ये उनसे मिला हुआ है और ये टाइम खींच खींच के, जैसे अभी हमारे साथियों ने बताया था, और ये चाहते हैं कि थक के ये लोग सब भाग जाएं और ये फिर अपनी मनमानी जो है इनको बेच दें। अभी क्या कीमत है इन फ्लैट्स की? जब अभी तो कीमत इनकी 60-65 लाख रुपए एक उसकी है, पहले जो हमने बुकिंग कराई है 30-35 लाख रुपए का, तो लगभग डबल हो गई है कीमत, लगभग डबल हो गई है। और उसी चक्कर में ये लोग ये कर रहे हैं सारा कुछ है जो इनका जो मेन उद्देश्य है उदयराज पटवर्धन का। अदरवाइज तो कोई सोचे भाई 26 मीटिंग किस लिए करनी है, एक मीटिंग में लो कहानी करो, क्लोज करो, यस करो या नो करो, कुछ भी तो करो, या तो नो करो कोई बात नहीं हम दूसरी जगह जाएंगे, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया है। और जैसे अभी बताया था कि पिछली मीटिंग में तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे उनको गेट आउट भी बोल दिया है, मतलब ह्यूमिलेटिंग एंड हरासिंग द क्लाइंट्स दोज हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंप्लीट RWA ऑफ हाई राइज। एरा डिवाइन कोर्ट सेक्टर 76 में बुकिंग लगाई थी सन 2012 में, और इसमें जब से बुकिंग लगाई है मैं आपको बताऊँ एक सोची समझे फ्रॉड का ही एहसास हो रहा है। हर बार एक फ्रॉड की ही स्मेल आती है इस प्रोजेक्ट के अंदर से, जिसमें कि पहले बिल्डर ने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान इस तरीके से बनाया कि 50% पेमेंट पहले ही ले ली, ढांचा खड़ा दिखा दिया कि देखो बन तो रहा है, और मैक्सिमम लोगों ने देते भी रहे पेमेंट। फिर एकदम इसने 2014 में कंस्ट्रक्शन बंद कर दी और 3 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। इस लोगों ने इससे पूछा, लोग जाते थे तो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को लॉस हो रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्डर एक सोची समझी साजिश के तहत, जैसे बिल्डर ने हर पार करते थे, पैसा लिया एक प्रोजेक्ट से और दूसरे प्रोजेक्ट में या किसी और बिजनेस में लगा दिया, फिर नए बायर से कुछ बुकिंग लगी उससे थोड़ा बहुत बना दिया, और ये पूरे नहर पार में होता था। पहले इसने अपना नाम बदला एरा से एडल कर दिया, एडल बिल्डर, और उसके बाद इसने कंस्ट्रक्शन रोक दी। 3 साल बाद इसने सबको बुलाया जब बहुत प्रेशर आया कि हाँ मैं बनाने को तैयार हूँ, आप लोग मेरे साथ चलो, पैसा आप लोग देना, मेरे पास तो पैसा नहीं है। हम उस पर भी तैयार हो गए कि हम अपनी तरफ से ही देंगे। एस्क्रो अकाउंट खोला गया दोनों बायर एसोसिएशन और बिल्डर के सिग्नेटरी जॉइंट बन के, उसमें सबने 1-1 लाख रुपए डाला, और अंदर खाने ये दूसरे फ्रॉड की तैयारी किए हुए था कि इसने एडलवाइज कंपनी से लोन लिया हुआ था, जिसका कि बायर्स को और जो यहाँ के नागरिक हैं उनको नॉलेज नहीं थी कि इसने लोन ले रखा है इतना बड़ा, और बहुत हाई रेट पे लोन था वो ये भर नहीं रहा था। अंदर ही अंदर हमें सब्ज बाग दिखा रहा था कि तुम्हारा फ्लैट बन रहा है, और देखो ये मैं हाई राइज टावर खड़े कर रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर मैं रेस्टोरेंट बनाऊँगा, ये होगा वो होगा, और जबकि हुआ कुछ भी नहीं। ये धीरे धीरे करके इसमें प्रोजेक्ट में 2 पार्ट हैं, एक लो राइज एक हाई राइज। लो राइज जो है वो बन चुका है, उसमें लोग रह रहे हैं, लेकिन इसने आज तक उनकी रजिस्ट्री नहीं करके दी है, और उन लोगों पे भी इन्होंने कभी बाउंसर भेज के उनको पिटवाया जो वहाँ रेजिडेंट रह रहे हैं, कभी लाइट बंद कर दी, बिल नहीं भरा, फिर लोगों ने अपनी जेब से बिल भरा जो इसके ड्यूज थे, ठीक है, और फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने अपना जनरेटर लगा के 6 महीने वहाँ गुजारा चलाया, वो नहीं गए क्योंकि उनका पूरी ज़िंदगी का मेहनत की कमाई का पैसा उसमें लगा हुआ था। और हाई राइज वालों के साथ इसने क्या फ्रॉड किया कि देखो भैया अब तो मैं दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कंपनी मुझे ले गई है एडलवाइज NCLT में, और अचानक ही रातों रात दिवालिया की न्यूज़ आ गई, और वहाँ IRP बिठा दिया गया उदयराज पटवर्धन NCLT द्वारा, जिसे हम नहीं जानते, वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। और अब हो क्या रहा है, वो जो उदयराज पटवर्धन IRP है वो पिछले 3.5-4 साल से मीटिंग कर रहा है, मीटिंग पे मीटिंग बिठाता है, उसमें वो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में मेल बनाता है जो कि नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता उसमें क्या क्लॉज हैं, और उस पर उनके कंसेंट ले लेता है। जो भी क्लॉज वो बना रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्डर माफिया की मदद के लिए हैं, और आम आदमी से वो बहुत ही समझ के बाहर हैं। अब आप क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि ये जो लोगों ने अपना टाइमली पोजीशन के लिए अपनी गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट का पालन करते हुए अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल का पालन करते हुए सब ने अपनी पेमेंट ऑन टाइम दिए हैं। अब अगर बिल्डर ने किसी से लोन लिया है तो उसमें बायर की कोई गलती नहीं है। इस प्रॉपर्टी को उसके लोन से अटैच ना किया जाए, उसे उसके दायरे से बाहर रखा जाए। प्रोजेक्ट जो है एडल डिवाइन कोर्ट सेक्टर 76 अपने आप में एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। इसमें अनसोल्ड यूनिट है और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है कमर्शियल है, शॉप्स हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि बनाई जा सकती हैं और प्रॉफिटेबल है। इसे निष्पक्ष जांच करके किसी अच्छे बिल्डर को दिया जाए जो कि लोगों की गाड़ी कमाई का, जो बेचारे लोग रेंट भी भर रहे हैं और लोन की ईएमआई भी भर रहे हैं और उनके घर में बीमारी है, इलाज के पैसे नहीं हैं, वो फिर भी ईएमआई भर रहे हैं लोन की, ताकि वो अपना अपनी तरफ से एक पार्टी तो अपना पूरा का पूरा जो है उत्तरदायित्व निभा रही है और दूसरी तरफ जो बिल्डर है या वो दिवालिया घोषित हो रहा है पर्दे के पीछे और एक तैयारी की जा रही है कि किसी और बिल्डर को दे दिया जाए। और उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की ये स्कीम है कि हम इसको लेट करते जाएं। अनसोल्ड यूनिट हैं वो, इसमें इनको प्रॉफिट दिख रहा है, कुछ लोग सरेंडर कर जाएंगे तंग के मारे, कुछ डिसीज केस हैं, कुछ NRI हैं। इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट खाली कराकर आज की डेट में जो 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है इस हाई राइज को बेचना चाह रहे हैं। और इसमें ये अगर आप 1,250-1,300 फ्लैट भी देखें हाई राइज के, तो उसमें ये कई 100 करोड़ कमाना चाह रहे हैं, जिसमें कि बहुत लोग मिले हुए हैं। और ये पूरा पर्दाफाश अगर जांच निष्पक्ष होगी तो एक कई 100 करोड़ का फ्रॉड है, जिसमें ये लो राइज वालों को सिर्फ 75 फैमिली वहाँ रह रही हैं जबकि काफ़ी फ्लैट हैं वहाँ पर, कई 100 फ्लैट हैं, और उनको भी ये लोग तंग करके भगा रहे हैं।